तवनाई की बचत के लिए रात 8:30 बजे बाजार बंद करने पर चारों सूबों का इत्तफाक। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने ताजर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। काफ में दराड़े, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात नून लीग और परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के हामी। चौधरी शुजात की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। सीनियर सियासतदान ने बजट से मुतालिक तजावीज दी। वजीर आजम ने तजावीज को बजट का हिस्सा बनाने का यकीन दिलाया। चौधरी शुजात ने कहा, सबको मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। तैयारी करें, जल्द बड़े एहतजाज की कॉल दूंगा। इमरान खान ने फिर कारकुनों को हिदायत कर दी। बोले, अभी से हुकूमत को इलेक्शन जितवाने की तैयारी हो रही है। साबिक वजीर खजाना के हवाले से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। खुद शौकत तरीन ने भी इसकी तरदीद की है। ISPR का कहना है, जाती मफादात के लिए इदारे और क्यादत पर इल्जामात काबिल मजम्मत है। का केस नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को मर्जी का फैसला करने की इजाजत दे दी। अदालत ने करार दिया, लड़की को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की स्वाबदीत है। ट्राई कोर्ट कार्रवाई जारी रखे। दुआ के शोहर जहीर अहमद के खिलाफ पेशरफ के बाद चालान जमा कराने की हिदायत।